हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? बढ़िया। तो आज की क्लास होगी ट्वेल्थ के लिए। ट्वेल्थ का एक वीडियो पहले आ चुका है, वो आप देखिए, उसके बाद ये वाली क्लास को एंजॉय कीजिए। मेरा नाम है पवन कापड़ी और बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं, और हम लोग स्टार्ट कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही पढ़ेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ क्या होता है, क्योंकि हमने पहले कर चुके हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा था, कैसे फ्रिक्शन की हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर कहीं पर भी दो चार्जेज होते हैं, मान लेते हैं ये Q1 और Q2 चार्ज एक r डिस्टेंस में प्लेस्ड है, Q1 और Q2 चार्ज r डिस्टेंस में प्लेस्ड है, तो ये दोनों चार्ज इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्ट करने का मतलब क्या है? या तो इनमें रिपल्शन होगा या इनमें अट्रैक्शन होगा। ऐसा क्यों होता है अट्रैक्शन या रिपल्शन? क्योंकि चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी दूसरे चार्ज पे या किसी दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स शो करता है। तो हम मान लेते हैं ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, और सेम नेचर में के चार्ज का मतलब या तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, या दोनों क्या है, नेगेटिव। और दोनों ही केस में इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है कि दोनों या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। तो यहां हम देख रहे हैं दो चार्ज मैंने बनाए हैं Q1 और Q2। तो इस वाली चार्ज ये मान लेते बॉडी है, जो सिंपल बेसिकली ये पॉइंट चार्ज रहता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट चार्ज होंगे, तो Q1 और Q2 दोनों पॉइंट चार्ज हैं। तो बच्चों ये दोनों फोर्स चार्जेस एक दूसरे के रिपल्शन शो करेंगे। इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इधर को, इस चार्ज में फोर्स लगेगा इधर को। समझ में आया आपको? तो इन फोर्सेस का नाम क्या होगा? देखिए यहां पे जो फोर्स लगेगा, वन पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू टू F12। इसके अलावा यहां पर जो फोर्स होगा F21, टू पे लगने वाला वन के कारण या वन ड्यू टू वन। समझ में आ गया आपको? तो दोनों फोर्स अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो बेसिकली कूलम ने क्या बोला? कूलम ने बच्चों ये बोला कि अगर कभी दो पॉइंट चार्ज एक फिक्स्ड डिस्टेंस में होते हैं, एक फिक्स्ड डिस्टेंस में दो पॉइंट चार्ज होते हैं, जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स, ठीक है। हाँ, दूसरी बात बोली, जो ये फोर्स होता है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये जो डिस्टेंस है इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, ये फोर्स जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर हुआ आपको? तो कूलम ने दो बातें बोली। पहली बात बोली कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज के प्रोडक्ट के। और दूसरी बात बोली वो जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। मतलब डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, ठीक है। ये हमको, इसको हम बोल सकते हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करता है। जैसे हमने ग्रेविटेशन में बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं मैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूं, जब भी प्रोपोर्शनल हटता है इक्वल टू लगता है और एक कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस केस में जो कांस्टेंट लग रहा है दैट इज के, दैट इज स्मॉल के, ठीक है। Q1 ऐसे लिखेंगे, Q2 ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एज इट इज आएगा। तो बच्चों ये हो गया फोर्स जो कि दो चार्ज पार्टिकल पे लगता है। जब दोनों चार्ज पार्टिकल एक फिक्स्ड डिस्टेंस में होते हैं तो फोर्स की वैल्यू हो गई ये। क्लियर हुआ? तो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? अगर बच्चों हम लोग यहां से देखें, इस कॉन्स्टेंट की बात करें,
तो के की वैल्यू जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? देखिए, जब ये फोर्स की बात हुई, कूलम्स ने फोर्स डिस्कवर किया और ये फोर्स को एनालाइज किया, तो देखा गया ना बच्चों कि जो मीडियम है, मीडियम मतलब इनके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो स्पेस है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ए फोर्स के लगने में। समझ में आया? मतलब अगर दो चार्ज पार्टिकल, देखिए दो चार्ज पार्टिकल अगर एयर में है, ठीक है, या वैक्यूम में है, अगर वैक्यूम में एयर में है तो ये फोर्स की वैल्यू कुछ होगी, मान लेते हैं कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। लेकिन अगर इन्हीं दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस में अगर मैं वाटर के अंदर डाल देता हूं तो फोर्स में इंक्रीज और में डिक्रीज, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। अब घटेगा या बढ़ेगा ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे देखेंगे। ऐसे ही इनके बीच में अगर कोई दूसरा, मैं एक सोल्यूशन अल्कोहल ले आता हूँ, इनके बीच में मैं कोई दूसरा मटेरियल मीडियम ले आता हूँ, तो फोर्स या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। क्लियर हुआ ना? ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो चार्जेस के बीच में मीडियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोर्स के लगने में। लेकिन यहाँ पर को उस मीडियम का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं आ रहा। देखिए जरा, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, R डिस्टेंस है, मतलब ये मीडियम का कोई भी फैक्टर या इस मीडियम का कोई भी पैरामीटर इस फोर्स में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर ना आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। तो ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट में इस मीडियम का एक फैक्टर आता है। समझ में आया? तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चों 1/4πε0, ठीक है, 4πε0। ये जो चीज होती है एप्सिलॉन नॉट, ये ही वो पैरामीटर है जो बताएगा कि किस मीडियम में फोर्स ज्यादा लगेगा, किस मीडियम में फोर्स कम लगेगा। इन सिंपल वर्ड्स ये फैक्टर हमें बताएगा कि इस मीडियम का रोल क्या है फोर्स के लगने में। समझ में आया? और इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। समझ में आया? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। हाँ, अब बच्चों यहां पर को मान लेते हैं इसमें एयर या वैक्यूम, कोई भी, या एयर ले लो या वैक्यूम ले लो, परफेक्ट वैक्यूम तो होता नहीं, कुछ ना कुछ रहेगा उसमें पार्टिकल्स। तो अगर यहां पर को एयर या वैक्यूम अगर होगा तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे? फ्री स्पेस। समझ में आया? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको डिनोट करेंगे एप्सिलॉन नॉट से। क्लियर हो गया ना? समझ में आया आपको? ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है। किसकी परमिटिविटी है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। अब क्या होती है परमिटिविटी, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अगर मैं इस फोर्स को लिखता हूं, देखिए जरा इस फोर्स को मैं कैसे लिखता हूं, ये जो फोर्स है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2। देखिए ऐसे लिख सकते हैं इस फोर्स को, समझ में आ गया। इस हिसाब से ये फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है, वो जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कहाँ पर को हैं? देखिए एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसका मतलब दे आर प्लेस इन एयर और वैक्यूम। क्लियर हुआ? तो ये हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया जो कि हमें फोर्स बताएगा। क्लियर है? अब देखिए जरा इस एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट, जो मैग्नीट्यूड होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना इसकी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10^-12। समझ में आया? क्या होगा अब इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? देखो इसकी यूनिट जो होगी, इसकी यूनिट जो होगी, देखिए कैसे निकालेंगे यूनिट, ज्यादा टेंशन की लेने की बात नहीं है। इसकी यूनिट निकालने तो इसको यहां भेज दो, फोर्स को यहां भेज दो, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों? कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी यूनिट, ये पूरा कंप्लीट हो गया एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों?
यहां पर को हमने देखा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये हम कैलकुलेट करते हैं और निकालते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट में दोबारा बताऊंगा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी ये हो गई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा इसमें, इसमें देखिए 1/4π, 4π नंबर है आपको पता है वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब रखेंगे तो इस के की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये जो के है इसकी वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁻¹, ये वैल्यू हो जाती है इसकी। ठीक है, लेकिन किसके लिए, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए इतनी वैल्यू होती है और उसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि इसको पूरे को ही के बोलते हैं, इस पूरे को हम के बोलते हैं, तो बच्चों इस के की जो यूनिट होगी दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो के कांस्टेंट है, इतना वैल्यू कब, जब दोनों चार्ज किस में रखे हैं, एयर या वैक्यूम पे रखे हैं तो के की वैल्यू इतनी होगी, अदरवाइज के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ? वापस से देखेंगे यहां पर को, अगर मैं इन दोनों चार्जेस को एयर पे नहीं रखता हूं, किसी दूसरे मीडियम पे रखता हूं, तो कितना फोर्स बढ़ेगा तो कितना फोर्स घटेगा, इसको हम एनालाइज करेंगे अब। ठीक है, उससे पहले बहुत बार हमको पूछा गया है ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। और डायमेंशन बहुत बार पूछी गई है सीबीएसई के सिलेबस में। ठीक है, तो डायमेंशन निकालना सीखते हैं। ठीक है, हमें पता है याद नहीं करनी हमने डायमेंशन, सीखेंगे कि कैसे हम निकालेंगे। सो यहां देखेंगे बच्चों डायमेंशन कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की। हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखिए कूलम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है ना, अगर पॉइंट चार्जेस है तो आप कूलम्स लॉ लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। ठीक है, उसके बाद दोनों चार्ज जो होने चाहिए, देखिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, वो चार्ज मूव नहीं होने चाहिए, दोनों चार्ज रेस्ट में होने चाहिए। क्लियर हुआ? पहले तो हम क्या लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, दो पॉइंट चार्जेस के लिए लगाएंगे, उसके बाद दोनों चार्ज किस में होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहां देखेंगे फोर्स की डायमेंशन, मुझे पता है फोर्स की डायमेंशन होती है ma (mLt-2) इक्वल टू 4π की डायमेंशन कुछ नहीं होती है, कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट। q1 q2 चार्ज की डायमेंशन हमने इसके पहले वाले लेक्चर में करी थी, i = q/t, क्योंकि चार्ज हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है तो इसकी डायमेंशन हम करंट से निकालते हैं, आई मतलब ए एम्पियर टी। तो बच्चों क्यू की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, ए टी, कितनी होती है ए टी। तो ये हो गई हमारी किसकी डायमेंशन, ये हो गई हमारी चार्ज की डायमेंशन। अब बच्चों दो चार्ज है यहां पर, ठीक है, तो स्क्वायर होगा, यहां पर को रेडियस है तो लेंथ का स्क्वायर होगा, ये चीज क्लियर हुआ। सो ये इधर आएगा एप्सिलॉन नॉट, देखिए कोई चीज कटता है तो नहीं कटता है, एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा तो ए टी स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं डिवाइडेड बाय ml3t-2, ये चीज आ गई ऐसे। l3 क्यों आया बच्चों, यहां पर को स्क्वायर है, ये चीज l है, बेस a में पावर ऐड हो जाएगी तो l3 आएगा। अब ये चीज हमारी ऊपर चली जाएगी तो क्या आएगा, देखिए जरा m^-1, l^-3, t^4। तो बच्चों अच्छा a भी बच गया है तो a का स्क्वायर, तो ये हमारी हो गई डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट की। क्लियर है कैसे निकाली, बिल्कुल भी रटना नहीं है, सीखना है, और सीखा हुआ काम आएगा, रटा हुआ आप लोग फिर भूल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में प्रेशर भी होगा थोड़ा सा, सो सीखना है ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट चीज क्या है। देखिए एप्सिलॉन नॉट, देखिए बच्चों होता क्या है
कि अगर मेरे पास दो चार्ज हैं, एक क्यू वन चार्ज है, एक क्यू टू चार्ज है, ठीक है, दो चार्जेस, एक क्यू वन एक क्यू टू। अब यहां से देखिए, ये क्यू वन वाला इस क्यू टू पे एक फोर्स लगाएगा ऐसे, ये क्यू टू इस पे एक फोर्स लगाएगा इधर को, एफ वन पे लगने वाला ड्यू टू टू, टू पे लगने वाला डी टू वन। ये आर डिस्टेंस, लेट से आर डिस्टेंस ले लेते हैं और ये लिख देते हैं कि दोनों जो चार्जेस हैं दे आर ग्रेटर देन जीरो, दोनों अपोजिट है, ठीक है। अगर दोनों सेम होते, सॉरी अगर दोनों अपोजिट होते, एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, तो Q1 Q2 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो इनका मल्टीप्लीकेशन आता दैट विल बी लेस देन जीरो। यहां पर को क्या है, दोनों सेम चार्जेस है, मैंने अपोजिट कहा बट यहां पर को दोनों क्या है, सेम चार्जेस है, तो सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे क्या हो, पॉजिटिव हो वो रिपेल करेंगे, तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर को समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज इस चार्ज पर कुछ फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं ये 50 न्यूटन लगाना चाहता है, ये 50 न्यूटन लगाना चाहता है, क्लियर हो गया। लेकिन अब क्या है कि यहां पर कुछ जो मीडियम है ना, इसके बीच में मीडियम है ना, इस मीडियम की, ध्यान से सुनिएगा, इस मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि इस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ में आ गया, ऐसा समझिए कि ये चार्ज इस चार्ज पर 50 न्यूटन से फोर्स लगाता है, धक्का देता है 50 न्यूटन से, लेकिन ये जो मीडियम है, इस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में ये मीडियम क्या करता है, इस फोर्स को कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। समझ आया, अब देखिए लगाना तो चाहता था ये 50, लेकिन क्या ये 50 लगा पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये मीडियम कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा और इस मीडियम की ये एब्जॉर्ब करने वाली ही प्रॉपर्टी ही इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। समझ में आया, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब है फोर्स को परमिट कर देना, नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आया, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो उस मीडियम को परमिट करती है टू एब्जॉर्ब चार्ज, टू एब्जॉर्ब फोर्स, ऐसा समझ सकते हैं, क्लियर हुआ। सो अगर इस मीडियम ने 20 न्यूटन फोर्स एब्जॉर्ब कर लिया तो ये फोर्स 50 तो लगाना चाह रहा था, 20 एब्जॉर्ब कर लिया, अब कितना लगाएगा, 30 लगाएगा, 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 न्यूटन ये अप्लाई करेगा। सो इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी उतना ही फोर्स जो अप्लाई करेंगे दोनों चार्ज वो क्या होंगे, कम होंगे। समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो हमारे लिए अगर दो चार्ज के लिए परमिटिविटी कम होनी चाहिए तब जाके वो ज्यादा फोर्स क्या करेंगे, बिल्कुल लगाएंगे एक दूसरे पे, क्लियर हो गया। तो आपको पता चला कि परमिटिविटी क्या चीज होती है, और ये जो परमिटिविटी होती है ये एयर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, किसके लिए, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, कितनी होती है भाई, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, 10 की पावर माइनस 12। अब आपको इसकी यूनिट भी आनी चाहिए, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है बताइए जरा, कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, ये एयर के लिए हुआ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि अगर हम इस चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कूलम्स लॉ को, तो कैसे लिख पाएंगे हम वेक्टर्स के फॉर्म में, तो देखेंगे। अब देखते हैं, हेडिंग डालते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए जरा, बहुत इजी वे में, एक चार्ज ये है Q1, दूसरा चार्ज ये है Q2, क्लियर हुआ। दोनों चार्ज जो हैं Q1 Q2, दोनों के दोनों चार्ज
क्या है, सेम नेचर के, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो होंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब भाई दोनों सेम चार्ज हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। समझ में आ गया? तो यहां पर को जो फोर्स लगेगा एफ वन पे लगने वाला ड्यू टू टू, वेक्टर साइन शो कर देते हैं, टू पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू वेक्टर साइन शो कर देते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं आर, ठीक है ना, आर, ये डिस्टेंस हो गई। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को जब भी लिखा जाता है तो दो चीज जरूरी होती है, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। जो डायरेक्शन देने वाला वेक्टर होता है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड देने वाला वेक्टर होता है इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। इसको मॉडुलस बोलेंगे, इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। मॉडुलस को सिंपल हम ए से भी लिख सकते हैं। सो वेक्टर के पास एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। क्लियर हुआ? अब हम यहां देखेंगे जो ये फोर्स होगा बच्चों एफ वन टू, जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। भाई ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, मैग्नीट्यूड आ गया। इसके बाद डायरेक्शन भी जरूरी है क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। क्लियर हुआ? तो F12 कहां को है, इधर को है ना, ऐसे मींस 2 से 1 की तरफ को है ना, 2 से 1 की तरफ को। तो यूनिट वेक्टर जो होता है R 2 से 1 की तरफ को है, 2 1, मैं यहां पर कैसे कैप लगा देता हूं, कैप का मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है 2 से 1 की तरफ। क्लियर हो गया? इससे आगे बढ़ते हैं, F 2 1 निकालते हैं एक बार और। F 2 1 जब हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब देखिए 2 से 1 2 से 1 2 1 कहां है, ये रहा 2 1, कहां से है, इधर को है, इधर को मतलब 1 से 2 की ओर को है, तो हम R 1 से 2 की ओर को यूनिट वेक्टर लगा देंगे। कोई परेशानी है आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली ऐसा मुझे लगता है। क्लियर? अब यहां देखते हैं एक बात और, कि जब भी हम यूनिट वेक्टर को देखते हैं ना, उसमें बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है। समझ में आया? उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, वन होता है। और अगर मैं ऐसे लिखूं R21 लिखूं यूनिट वेक्टर है, या R12 लिखूं, तो बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है वन, ठीक है, तो दोनों बराबर लिख सकता हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने बराबर लिख दिया। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। कैसे? R21 कहां से है, 2 से 1 की तरफ, इधर को। R12 कहां से है, यहां से इधर को है, ठीक है। तब मैं इसमें एक नेगेटिव साइन शो कर देता हूं जो कि हमें यह बताएगा कि R12 और R21 अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, सिंपल सी चीज में करता हूं, इस R12 की जगह माइनस ऑफ R12 लगा देता हूं। देखिए R21 है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ R12, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो F12 कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसकी जगह मैंने लिखना है R12, और जो माइनस था यहां पर आ गया, तो ये हो गया फोर्स। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? बहुत इजी है। यहां पर से हम क्या देख पा रहे हैं, मैं F12 को एनालाइज करता हूं इतना आ रहा है, F21 को एनालाइज करता हूं इतना आ रहा है। इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों कुछ ना कुछ सेम चीज है। देखिए जरा, 1 बाई 4 पैसेनेट Q1 Q2 R स्क्वायर R12, भाई सेम है बिल्कुल, बस यह नेगेटिव साइन का अंतर है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, F12 is equals to minus of F21, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, F12 is minus of F21, ठीक है। ध्यान से देखते हैं
इसका मतलब क्या है भाई, जितना फोर्स वन वाला टू पे लगा रहा है ना, उतना ही फोर्स टू वाला वन वाले पे भी लगा रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है दिखा रहा है, समझ में आया। और ये F21, F12 क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, समझ में आया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो कूलम्स लॉ है ना, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फुलफिल करता है। थर्ड लॉ याद आया, एक्शन रिएक्शन, इक्वल एक्शन इक्वल रिएक्शन ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो चीज है वो न्यूटन थर्ड लॉ को भी फुलफिल करता है, यहां से पता चल गया, क्लियर हो गया ना। तो आज से हम एक बात सीख गए कि अगर यहां पर को 1 कूलम का चार्ज है और यहां पर को 100 कूलम का चार्ज है, यहां पर को बच्चों 1 कूलम का ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे 100 कूलम का चार्ज है, तो जितना फोर्स ना 1 कूलम वाला 100 पे लगाएगा, जितना फोर्स 1 कूलम वाला 100 पे लगाएगा, उतना ही फोर्स 100 वाला 1 पे लगाएगा, समझ में आया। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग सीधे सोच देते हैं कि ये तो छोटा है, ये कम फोर्स लगाएगा इस पे, ये बड़ा है ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। 1 वाला जितना 100 पे फोर्स लगाएगा, उतना ही 100 वाला 1 पे फोर्स लगाएगा, यहां से देख लीजिए, समझ में आया। और अगर नहीं भी समझ में आता तो यहां देखिए, 1 वाले का फोर्स हम निकालते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 मतलब 1, Q2 मतलब 100 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। अब 100 वाले का फोर्स निकालते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 मतलब 100, Q2 मतलब 1 डिवाइडेड बाई R2। देखिए 1 × 100 हो या 100 × 1 हो, फोर्स तो सेम आना है ना। तो दोनों ही चार्ज एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्लियर हुआ। तो यहां तक हमने सीख लिया, वेक्टर फॉर्म सीख लिया, और ये भी सीख लिया कि दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स हम लगाते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि अगर दो चार्ज किसी दूसरे मीडियम में होंगे तो क्या चीजें बदलेंगी, ठीक है। तो देखिए, अगर दो चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, अब यहां का जो मीडियम है ना बच्चों, ये जो मीडियम है ये एयर भी नहीं है, ये वाटर भी नहीं है, सॉरी ये एयर तो नहीं है, ये कुछ मीडियम है, कोई भी मीडियम मान लेते हैं, मीडियम मान लेता हूं, ये एक मीडियम है, क्लियर हुआ। तो बच्चों जो फोर्स लगेगा ना, जो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, देखिए अभी भी सेम वही चीज लिया मैंने, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो अब फोर्स होगा ना वो कितना होगा, देखिए F M में डिनोट कर दे रहा हूं, मतलब फोर्स इन मीडियम, कोई भी मीडियम में मान लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4π। देखिए एप्सिलॉन, जब हम यहां पर को एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे, एप्सिलॉन 0 लिख रहे थे, इसका मतलब वो दोनों चार्ज किस में थे, एयर में थे, लेकिन हम यहां पर को अब लिखेंगे एप्सिलॉन मीडियम, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, समझ में आया, ये फोर्स हो गया, क्लियर। चलो इसको एक वेक्टर में नहीं लिखते हैं, खाली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अगर आपने वेक्टर में लिखना आप लिख सकते हो, इसमें कहां को होगा 2 से 1 की तरफ, इसमें कहां से होगा 1 से 2 की तरफ, ठीक है। तो इतना हमारा फोर्स हो गया, जब दोनों चार्जेस कहां पर थे, किसी मीडियम में हमने रखे हुए थे, क्लियर है। लेकिन इससे पहले जब दोनों चार्जेस एयर में थे, Q1 Q2 एयर में थे, तो जो फोर्स होगा दैट विल बी एफ नॉट लिख देते हैं, एयर में था जब 1/4π, अब क्या आएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 आएगा ना, ये फोर्स मीडियम में इतना आएगा, ये जब एयर पे थे या वैक्यूम पे थे तो फोर्स इतना आएगा,
क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा यहां पे देखेंगे, अगर इस इक्वेशन वन और इस इक्वेशन टू को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं निकालूं बच्चों, अगर मैं एफ नॉट अपॉन एफ एम निकालूं, देखिए एफ नॉट अपॉन एफ एम निकालेंगे तो सारी चीजें आपस में कट जाएंगी और यहां से क्या आएगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चीज निकल के आएगी। परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है, तो यहां से ये चीज रिलेशन निकल के आएगा। क्लियर हुआ? तो बच्चों यहां पर बेसिकली हमने क्या किया है, हमने किया है कंपेयर। क्या किया हमने? कंपेयर। देखिए कभी भी किसी भी चीज की प्रॉपर्टी अगर हम बताते हैं, अगर मैं कहूंगा कि ए बी सी, एक दो तीन, ये हमारी वन टू थ्री ये लाइंस हैं, ठीक है, अगर आप मुझसे बोलोगे कि इनमें से छोटी लाइन कौन सी है, समझ में आया, कौन सी लेंथ छोटी है, तो आपने बोला, मैंने आपसे पूछा कि छोटी लेंथ कौन सी है बताओ, आपने बोला सर ये छोटी है, बिल्कुल ये छोटी है, ठीक है। किसी दूसरे बच्चे ने बोला कि सर ये भी छोटी है, बिल्कुल सही, वो भी सही है, क्यों, ये लाइन इस लाइन से छोटी है और इस लाइन से छोटी है, लेकिन ये वाली लाइन इससे भी छोटी है, समझ में आया। वैसे ही अगर मैं पूछूंगा आपसे कि कौन सी लेंथ बड़ी है, ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे सर ये लेंथ बड़ी है, ठीक है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर ये भी लेंथ बड़ी है, ठीक है, दोनों ही सही है, ये लेंथ भी बड़ी है इसके कंपेयर में, ये लेंथ भी बड़ी है इन दोनों के कंपेयर में, समझ में आया। तो हमेशा जो भी प्रॉपर्टी होगी हम किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे, समझ में आ गया, ये लेंथ बड़ी है इसके रेस्पेक्ट में, ये लेंथ बड़ी है इन दोनों के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही परमिटिविटी को भी हम कंपेयर करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, एयर की परमिटिविटी के रेस्पेक्ट में, समझ में आया। तो यहां पर को किसी भी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एयर की परमिटिविटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। क्यों आया ये रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता चला? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मीडियम की हम ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि इसकी परमिटिविटी ज्यादा है, इसकी परमिटिविटी कम है, क्योंकि हमें एक रेफरेंस देना पड़ेगा, एयर के रेस्पेक्ट में इसकी परमिटिविटी इतनी है, एयर के रेस्पेक्ट में इसकी परमिटिविटी ये, ठीक है। तो परमिटिविटी जब भी होगी किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग लेंगे, और इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर है। और इसी चीज को, इसी रेशियो को एक कांस्टेंट से भी हम डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल के इसका सिंबल होता है। क्या होता है? कैपिटल के इसका सिंबल, ठीक है। आज से कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि सपोज दो चार्ज मैंने Q1 Q2 दो चार्ज मैंने वाटर पे रखे, किसमें रखे? वाटर में। तो बहुत बार जब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो हमें बुक्स में गिवन होती है, जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हम वाटर की एप्सिलॉन W नहीं मिल पाएगी हमें, समझ में आया, बहुत बार नहीं मिल पाती। जो कॉमन डेटा अवेलेबल होता है वो होता है वाटर का K, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आराम से अवेलेबल हो जाता है, समझ में आया। ये ज्यादा बेनिफिशियल है इसके कंपेयर में, कैलकुलेशन जो होंगी इससे आसान बनेंगी, अभी हम देखेंगे, जो उसका एनालाइज होगा वो भी आसान बनेगा जब हम के को लेंगे। सो किसी भी मीडियम के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ, देखें यहां से डेफिनेशन बन सकती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर विद रेस्पेक्ट टू व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ, क्लियर है। तो बच्चों यहां पर को हम देखेंगे, अगर मैंने, देखिए अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 किसी मीडियम में है, लेट्स से वाटर में है, ठीक है, अब इनके लिए फोर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε₀ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर हुआ? हो गया ना? हाँ।
अब हमें पता है एप्सिलॉन डब्ल्यू की वैल्यू मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, और हम रखेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ी परेशानी आएगी। तो बच्चों एफ डब्ल्यू लिख देता हूं मैं, वाटर में है तो एफ डब्ल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई। देखिए अगर यहां पर को जो मीडियम है ये वाटर है तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, वाटर लिख रहा हूं ना, वाटर, ठीक है। तो बच्चों एप्सिलॉन वाटर कितना हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स इन वाटर। के फैक्टर यहां पर को मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ, और के की वैल्यू आराम से हमें मिल जाती है, डेटा बुक में आराम से गिवन होती है के की वैल्यू, क्लियर हुआ, हमें याद भी नहीं करनी के की वैल्यू, जब भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा के की वैल्यू हमें पता चल गई, एक छोटा सा क्वेश्चन जो है उसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले मैंने दो चार्ज पार्टिकल को, एक क्यू वन चार्ज पार्टिकल एक क्यू टू चार्ज पार्टिकल, सबसे पहले मैंने इनको कहां रखा है, एयर पे रखा है। अब मैंने इनको एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, के है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, के। पहले किसमें थे, पहले एयर में थे या वैक्यूम में थे, सेम डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस ले लेते हैं, सेम डिस्टेंस पे थे। अब इन दोनों को मैंने ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि फोर्स में क्या कोई चेंज आएगा, फोर्स में क्या कोई चेंज आएगा और कितना चेंज आएगा, ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग में देखेंगे, फर्स्ट में जब वाटर पे थे, एयर पे थे या वैक्यूम पे थे, एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा ना। अब ये किसमें आ गए, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के में आ गए, तो अब एफ जो होगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट होगा, होगा नहीं होगा, के एप्सिलॉन नॉट, तो के को मैं आगे लिख दे रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, बाकी सारी चीजें सेम है ना, ठीक है। अब बच्चों देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो चीज है ना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, f नॉट लिख सकते हैं, समझ में आया। तो यहां से जो रिलेशन होगा f इज इक्वल टू f नॉट डिवाइडेड बाय k, ये आ गया रिलेशन f, ये था, इस चीज को मैंने क्या लिख दिया, f नॉट लिख दिया, क्योंकि देखिए f नॉट है नहीं, डिवाइडेड बाय k। तो जब हमने इसको किसी मीडियम में डाला तो k टाइम्स फोर्स रिड्यूस होगा, देखिए k डिवाइड हो रहा है ना, तो k टाइम्स फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, तो डायलेक्ट्रिक में डालने से इसका फोर्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, अब इससे आगे वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स और एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, पढ़ते रहिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता आप लोग ग्रुप पे जुड़िए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रुप के लिए जो लिंक है मैं आपको भेज दूंगा।